मैकेनिज्म देखते हैं कैनिज़ारोज रिएक्शन का। सबसे पहले स्टेप वन के अंदर यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन करेगा यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल C6H5CHO किस पर करेगा, NaOH पर। तो C6H5CHO बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करनी है NaOH के साथ में। ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन फास्ट स्टेप है, और कैसे यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर C6H5CHO में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पर पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से ये डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और कार्बन डेल प्लस चार्ज डेवलप करेगा। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन यहाँ से Na प्लस को बाहर निकालेगा, और OH नेगेटिव यहाँ पर कार्बन के साथ में आके बॉन्ड बनाएगा। अभी हमारे पास में यहाँ पर C6H5C के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर OH आ गया, और ये O नेगेटिव Na प्लस यहाँ पर बॉन्ड बन। स्टेप टू के अंदर, स्टेप टू में हमारे पास हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है। हाइड्राइड ट्रांसफ़र एक स्लो स्टेप है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र इसमें ये जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर बनाया है C6H5CH, यहाँ पर O नेगेटिव Na प्लस और कार्बन के साथ में OH अटैच है, इसकी रिएक्शन करो यहाँ पर C6H5CHO के साथ, यानी बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ में। ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है, यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और कार्बन डेल प्लस चार्ज डेवलप करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज तो यहाँ से Na प्लस को बाहर निकाल के लाएगा, और CH जो यहाँ पर प्रेजेंट है उस पर डेल प्लस चार्ज डेवलप है, जिससे वो H नेगेटिव यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन पर, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अभी ऑक्सीजन और Na प्लस के बीच का जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बॉन्ड यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये इतना बॉन्ड मूवमेंट हमने यहाँ पर शो करना है। इसके अंदर मॉलिक्यूल क्या फॉर्म हो रहा है, C6H5C के साथ में ये डबल बॉन्ड OOH, डबल बॉन्ड OOH, और साथ में C6H5CH ने हाइड्राइड को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, C6H5CH2 के अंदर, और ऑक्सीजन पर क्या अटैच हो गया है जाके Na प्लस, O नेगेटिव Na प्लस। अभी यहाँ पर स्टेप थ्री के अंदर प्रोटोन ट्रांसफ़र होगा, तो हमने यहाँ पर ये जो दो मॉलिक्यूल्स बनाए हैं स्टेप टू के अंदर C6H5COH और साथ में C6H5CH2 O नेगेटिव Na प्लस, इनकी रिएक्शन करो और यहाँ पर प्रोटोन का ट्रांसफ़र कर दो, H प्लस का ट्रांसफ़र कर दो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके अंदर जो ऑक्सीजन के साथ में अटैच है ये H प्लस यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये Na प्लस है, यही आपस में एक्सचेंज कर जाएंगे यहाँ से, और हमारे पास में प्रोडक्ट्स बनेंगे फाइनल C6H5COONa। ये बन गया यहाँ पर सोडियम बेंजोएट, और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास में यहाँ पर C6H5CH2
ओ नेगेटिव एच प्लस यानी ओ एच, तो ये मॉलिक्यूल बन रहा है बेंजाइल एल्कोहल। तो कैनिज़ारोज रिएक्शन के अंदर हमने यहाँ पर देखा कि अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पर एल्कली के साथ में करा रहे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमें यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सोडियम बेंजोइट और बेंजाइल एल्कोहल। तीन स्टेप के अंदर यहाँ पर हमने पूरा मैकेनिज्म देखा। फर्स्ट स्टेप था न्यूक्लियोफिलिक अटैक, सेकेंड स्टेप था हाइड्राइड ट्रांसफ़र, और थर्ड स्टेप था एच प्लस का ट्रांसफ़र। थैंक यू।